मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोग नदी नालों और तालाबों के बीच फंस गए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा राघोगढ़ तहसील से नजर आया, जहां 3 दिन तक 2 लोग बुरी तरह फंसे रहे। इनके साथ सिर्फ पानी का ही खतरा नहीं था, बल्कि इनका रास्ता नाग और नागिन ने भी रोक रखा था। जी हाँ, यह अजीबोगरीब मामला राघवगढ़ तहसील के कबूलपुरा से सामने आया है, जहां एक मंदिर पानी से चारों तरफ डूब गया। मंदिर के पुजारी और मंदिर में रहने वाले एक सहायक इस मंदिर के बीच में फंस गए। जब उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया तो मंदिर के द्वार पर ही एक नाग और नागिन का जोड़ा लिपटा हुआ था। उन्हें देखकर पुजारी और उनके सहायक ने बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा। ये देखिए, पड़ला दीवार है, गेट पे लपटी हुई है, ये देखो, उसको सांप को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, गेट खोलने नहीं दे रहा है सांप। ये देखिए, इतना खतरनाक काला सा, और 2 सांप हैं, नाग और नागिन दोनों है, नाग और नागिन दोनों है। ये देखिए, जोड़े से मारना नहीं यार, निकाल दो ने, नाग और नागिन दोनों है जोड़े से। बाद में उन्होंने इसकी सूचना गांव वालों तक पहुंचाई, गांव वालों ने इसकी सूचना शहर में पहुंचाई, और जब बचाव दल मौके पर पहुंचा, द्वार से नाग नागिन के जोड़े को हटाया गया, तब जाकर इन 2 जिंदगियों को बचाया जा सका। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के जरिए इन 2 लोगों को बचाया, लेकिन इनकी जिंदगी बचाने में 3 दिन का वक्त गुजर गया। साल का मत देखे और देखे। हाँ, तो वो सारा कम्बल तो ले जा रहे हैं। ये 2 लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए थे, पंडित जी हैं और वो कबूलपुरा के निवासी इनके चेले हैं, ये दोनों इसके अंदर से, और इस चैनल गेट पे सांप लपटा हुआ था। आ जाओ, बोला पकड़ो उनको। आ पकड़ो,